हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेल मंत्रा में। तो आइए आज मैं आपको रेलवे से जुड़ी पांच बड़ी खबरें देना चाहता हूं। सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है कि रेलवे ने 155 ट्रेन कैंसिल कर दी है 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के लिए, और रेलवे ने 19 मार्च को भी 524 ट्रेनें कैंसिल कर दी है। आगे चल के वो और भी ट्रेन कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो भी ट्रेन कैंसिल हो रही है उन पे कैंसिलेशन के चार्जेस नहीं लगेंगे जी, उस पर 100% रिफ़ंड हो जाएगा आपके पैसे। तो दोस्तों जो भी ट्रेन कैंसिल हो रही है उनमें आपको 100% रिफ़ंड मिलेगा, उस पर कैंसिलेशन फ़ीस नहीं चार्ज होगी। तो दोस्तों हमारी जो दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इंडियन रेलवे ने सीनियर सिटीजन कंसेशन को सस्पेंड कर दिया है ताकि ज़्यादा लोगों को यात्रा करने से रोका जा सके। तो दोस्तों इंडियन रेलवे से जुड़ी तीसरी बड़ी खबर जो कि निकल के आ रही है कि रेलवे ने एसी कोचों में से सारे ब्लैंकेट और सारे पर्दे हटा लिए हैं। अब आपको रेल में सफ़र करते टाइम अपना खुद का ब्लैंकेट लेके जाना पड़ेगा, और इस समय उन्होंने एयर कंडीशन का तापमान 25 सेल्सियस रखा है जिसमें कि आपको ब्लैंकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जो इंडियन रेलवे से जुड़ी चौथी बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 50 रुपये कर दिए हैं ताकि प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा भीड़ ना हो सके, वहाँ से फालतू की भीड़ हटाने के लिए रेलवे ने यह बहुत बड़ा कदम लिया है। तो हमारी जो पांचवी बड़ी खबर निकल के आ रही है इंडियन रेलवे से वो है ये है कि आज के महीने में 60% से ज़्यादा टिकट कैंसिल हो चुकी है कोरोना वायरस के डर से। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही कि अब तक 60% से ज़्यादा टिकट कैंसिल हो चुकी है मार्च के महीने में। तो इसी के संग ये वीडियो ख़त्म करते दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी रेलवे से जुड़ी ये बड़ी खबरें मिल सके। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।